नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। रांची के अल्बर्ट टंका चौक पर जो पंडाल बना है वो रामनवमी में शोभा यात्रा निकालने वाले लोगों का अभिवादन करने के लिए यहां पे बीजेपी के नेता पहुंचे हैं। हमारे साथ आशा लकड़ा जी है। मैडम, नारी शक्ति रामनवमी में कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है? शक्ति सबसे बड़ी है यार। या देवी सर्वभूते से शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इतना हम कह सकते हैं कि आज रामनवमी के शुभ अवसर पर माता चैत्र दुर्गा पूजा का भी आह्वान करती है। और जिस तरह से झारखंड ही नहीं, रांची ही नहीं, पूरे भारत में राममय हो गया है। और जिधर जाइए उधर पूरा सनातनी एक होकर के राम राम कर रहे हैं। मैं इतना कहूँ कि पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जिस तरह से मर्यादित थे, आज का रामनवमी का जो प्रोसेशन है, जो जुलूस है, रामनवमी का शोभा यात्रा है, वो पूरा राम है। 500 वर्षों के बाद ये रामनवमी पहली ऐसी रामनवमी हुई है जो राम मंदिर के निर्माण के बाद हुआ। आपको याद होगा कि 21 जनवरी के बाद जब प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, लगातार अयोध्या ही नहीं, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, कच्छ से लेके बंगाल की खाड़ी तक, यानी पूरे देश में जहाँ जाइए वहाँ लोग ने तांता लगा लिए हैं और राम राम कर रहे हैं। और दूसरी बात, देश ही नहीं विदेशों में भी राम राम। देख सकते हैं आप कैसे ये अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। और जय श्री राम वाला तलवार इनके हाथों में है और ये भगवा रंग पूरे रांची में हो गया, भगवा रंग हो गया है। रांची भगवान सुमान राम के भक्ति में डूब गई है और राममय हो गई है, हनुमानमय हो गई है। महावीर का नाम लिया जा रहा है, जय जय श्री राम का नाम लिया जा रहा है। और महावीरी पताका के साथ ये हम देख रहे हैं, महावीरी पताका के साथ लोग यहाँ सड़कों पे उतरे हैं। और हम दीपक प्रकाश जी जो राज्यसभा सांसद है उनसे भी बात करते हैं। 500 वर्षों के बाद ये रामनवमी पे आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही हर्षदायक कर भरने वाला दिन है। और उसका इसलिए भरने वाला दिन है, 550 के संगम इस कन्या को आज राम लला विराजे है और भगवान सूर्य उनको तिलक लगाए। पूरा देश देखिए आज राम के आस्था व्यक्त करते हुए राम राज्य लाने की कल्पना कर रहे हैं। भगवान मंच से क्या संदेश देना चाहेंगे राज्यवासियों? भगवान श्री राम का एक ही संदेश है, स्नेह का, प्रेम का, भाईचारा का। और राम राज हर घर में हर लोग सुखी रहे, खुशी रहे, आर्थिक रूप से संपन्न रहे और देश और ब्रह्मांड सुखी हो। पूरे देश को, पूरे झारखंड वासी को, पूरे रांची वासियों को ये एक संदेश देना चाह रहे हैं कि भाईचारा और सहादगी का ये पर्व रूप में मनाया जाए। और जो रामनवमी है वो 500 सालों के बाद ऐसी रामनवमी मनाने का अवसर मिला है, तो पूरे धूमधाम के साथ इसको रांची वासी मनाते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ हमारे लाइव